बागेश्वर के कपकोट की पिंडर घाटी में 5 दिन बाद भी बर्फ नहीं पिघली है। जहां सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जमा बर्फ वाहन चालकों और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बता दें कि पिंडर घाटी और बिचला दानपुर के इलाकों में लगभग 5 दिन तक हुए भारी हिमपात के बाद अधिकांश स्थानों पर बर्फ पिघल गई है, लेकिन विनायक के धूर तक करीब 5 किलोमीटर के दायरे में अभी भी काफी बर्फ जमा है, जहां बुग्यालों में जमा बर्फ का आनंद लेने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद से जहां इस क्षेत्र की सुंदरता पर 4 चांद लग गए हैं, तो वहीं सड़कों पर जमा बर्फ वाहन चालकों के लिए परेशानी बन गई है। तो आज हम यहां बागेश्वर से आए हैं, ये है कर्मी से थोड़ा आगे आगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां बहुत अच्छी बर्फ पड़ी है। यहां देखिए बोलना, बहुत अच्छी बर्फ, और हम सभी लोग बहुत दूर से, हमको बर्फ देखने को नहीं मिलता था, हम काफी दूर से यहां बर्फ लेने का हमने बहुत इंजॉय किया यहां, और देख सकते हैं यहाँ इतनी बर्फ पड़ी है। जिन्होंने बर्फ का एंजॉय नहीं लिया है, किसी को अभी आने का कष्ट कर। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कई दिनों से आई हूँ, ये मेरा ननिहाल ठहरा। आज मैंने देखा कि हम बहुत बर्फ पड़ी है, सब यहाँ से अलग अलग देश से घूमने आ रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बहुत ठंडा रहे हैं, गाड़ियाँ भी फंस रही है थोड़ी थोड़ी, आगे हम भी आगे आगे तक आए गाड़ी में, गाड़ी फंस गई फिर दोबारा और वहीं पहुँचा के आए, फिर अभी पैदल आने का आनंद ले रहे हैं। आज बहुत बर्फ पड़ी है और ठंडी भी बहुत है यहाँ, और गाड़ियाँ फंस जा रही है बर्फ की वजह से, और गाड़ियाँ चल नहीं पा रही है, और हम ननिहाल आए थे घूमने तो गाड़ी फंस गई, और वैसे पैदल मार्ग जाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। ठंड से बचाव के लिए ये दस्ताने हैं, टोपियाँ हैं, मास्क है, और सॉक्स, जूते। बहुत ठंड है यहाँ वैसे तो, देखा जाए तो ये बर्फबारी कम, बहुत कम लोग देखने को मिलता है, फिर और दूर दूर से पर्यटक भी देखने के लिए आ रहे हैं कपकोट से और भी जगह से आ रहे हैं। दरअसल इलाके में फिसलन बढ़ने से वाहनों के फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है, बर्फ में फंसे वाहनों को निकालने के लिए यात्रियों को धक्का लगाना पड़ रहा है। तो वहीं क्षेत्र वासियों ने बर्फबारी के दौरान प्रशासन से क्षेत्र के लिए JCB का इंतजाम करने की मांग की है, ताकि सड़कों पर जमा बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जा सके। बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।